हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। इट मींस कि एक वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं और उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल का स्कोप, राइट। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसका एडिटर जो है वो ओपन कर लेता हूँ। फाइल में क्लिक करो, फिर न्यू फाइल, राइट। तो ये इसका एडिटर आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू कि वेरिएबल को हम जब डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसमें मैंने दिया ए इज इक्वल टू 20, राइट। अब ये क्या हो गया, ये बाय डिफॉल्ट मेरा ग्लोबल वेरिएबल हो गया। वेरिएबल है ना, मेरे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल। ग्लोबल का मतलब ये होता है कि हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो लोकल वेरिएबल है उसका मतलब है कि जिस लोकल एरिया में, जिस छोटे से एरिया में मैंने उसको डिक्लेयर किया है, मैं वहीं पे उसको यूज कर सकता हूँ, मैं उसको हर जगह पे यूज नहीं कर सकता हूँ। तो लोकल और ग्लोबल का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो बाय डिफॉल्ट मैंने ए इज इक्वल टू 20 लिखा है, तो ये कुछ नहीं है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। मैं इसको नाम दे देता हूँ ग्लोबल, ठीक है। ये मैंने कमेंट दे दिया है, कमेंट आपको पता है रन नहीं होते हैं, तो मैंने इसको ग्लोबल बता दिया। बताया नहीं है ये एक्चुअली होता है, ये ग्लोबल मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा डेफ, मैं फंक्शन का नाम लेता हूँ डेमो, ठीक है। मैं इसमें पास कुछ नहीं करता हूँ, कुछ मैं पास नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया है ए बी इज इक्वल टू 3, राइट। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो मैंने अभी ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी, उसको वैल्यू दी है 3। ये मेरा फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के बाहर नहीं है। तो इट मीन्स जब मैंने इसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो मैं इस बी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकता हूँ। फंक्शन के बाहर अगर मैं बी वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे एरर देगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा बी वेरिएबल है ये मेरा लोकल वेरिएबल है। इट मींस कि मैं इसको सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकता हूं। और कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में गलत इंफॉर्मेशन ना चली जाए, मैं उसको बता देता हूं कि लोकल मैंने सिर्फ कमेंट दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको लोकल बनाना है तो इसको यहां लोकल लिखना पड़ेगा, नहीं, लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, ये तो कमेंट है। ये जब हमने इसको डिक्लेयर किया है ना, हमने उसको कहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल या लोकल होता है। जब मैंने ए को, ए इज इक्वल टू 20, मैंने इसको किसी भी फंक्शन के अंदर या किसी लूप के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है, मैंने इसको बाहर डिक्लेयर किया है ऑटोमेटिकली, तो ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने बी को फंक्शन के अंदर, फंक्शन डेमो है मेरा, इसके अंदर डिक्लेयर किया है, तो ये एक लोकल वेरिएबल हो गया अपने आप। मतलब मैं इसको सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकता हूं। तो मैं दिखा देता हूं आपको। तो मान लीजिए मैंने किया है बी इक्वल टू 3 किया है, तो मैं एक सी वेरिएबल ले लेता हूं, सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। अब देखिए, ए वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूं, ए मैंने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है, ए मैंने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है। तो अगर ये मेरा सी इज इक्वल टू सी प्लस ए हो गया, मतलब एडिशन कंप्लीट हो गया, तो इट मीन्स कि मेरा ए ग्लोबल वेरिएबल है और मैं उसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। मैंने कर दिया रिटर्न सी, मैंने सी की वैल्यू को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या क्या हो गया हूं, फंक्शन के बाहर आ गया हूं, ठीक है। अब मैं फंक्शन के बाहर हूं, तो मैंने किया, मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूं, मैं कहता हूं डी इज इक्वल टू डेमो, मैंने ऐसे फंक्शन को कॉल कर लिया है। अब क्या होगा, मेरा फंक्शन कॉल होगा, डेमो ऊपर जाएगा, डेमो रन होगा, बी में 3 आ जाएगा और सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। सी क्या है, सी, सॉरी सी नहीं आएगा यहाँ पे, बी प्लस ए आएगा, राइट। बी प्लस ए, बी क्या है मेरा 3 है, राइट। तो 3 प्लस ए कितना है 20, तो 20 और प्लस 3 तो हो जाएगा 23, सी में आ जाएगा 23 और रिटर्न हो जाएगा 23। जो इस टाइम पे मेरे डी में कितना आ जाएगा 23, क्योंकि यहां पे रिटर्न किया है सी, सी में 23 था, तो डी में भी यहां पे 23 आ जाएगा मेरा, राइट।
अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं कि अगर मेरा 23 आउटपुट आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, तो इट मींस कि मेरा ए जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, मैं उसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूं। तो ओके, सेव के लिए पूछेगा, मैं कुछ भी नाम देता हूं, डेमो डी दे देता हूं, राइट। ओके, सो ये मुझसे क्या चाह रहा है। ओके, एक चीज हमने नहीं की है, मैंने यहाँ पे ना प्रिंट नहीं किया है, मैंने सिर्फ डी में डेमो आ गया लेकिन उसको प्रिंट नहीं किया है, तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट डी। ठीक है, मैं डी को प्रिंट भी कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे 23 मेरा आ गया है, इट मीन्स कि मेरा जो ए है वो ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, ग्लोबल तो हमने एक्सेस कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बी हमने फंक्शन के अंदर बनाया था उसको मैं फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं बी को प्रिंट कर लेता हूं साथ में। ठीक है, प्रिंट बी। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं बी को भी प्रिंट कर लेता हूं। अगर ये मेरा लोकल वेरिएबल होगा, मतलब ये फंक्शन के अंदर ही मैं इसको यूज कर सकता हूं, तो यहां पे मेरा एरर देगा, राइट, क्योंकि बी मेरा लोकल वेरिएबल है और मैं उसको बाहर फंक्शन के बाहर एक्सेस कर रहा हूं, तो इसका मतलब फंक्शन के बाहर इसकी कोई डेफिनेशन है ही नहीं, तो कोई वेरिएबल की डेफिनेशन नहीं है, तो वो रन भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूं। देखिए 23 रन हो गया है, मेरा 23 तक आउटपुट सही आया है, लेकिन देखिए यहां पे एरर क्या दिखा रहा है, नेम बी इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब बी को हम प्रिंट कर रहे हैं लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि हमारा बी जो है वो लोकल वेरिएबल है, वो हमारा फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है। मैं एक काम करता हूं आपको, मैं बी को यहीं पे मैं प्रिंट करके दिखाता हूं, सो दैट आपको पता लग जाए कि फंक्शन के अंदर तो मैं इसको कभी भी प्रिंट कर सकता हूं, है ना, फंक्शन के अंदर मैं इसको कहीं पे भी प्रिंट कर सकता हूं। तो अब होगा क्या, मेरा रन होगा, डेमो रन होगा, तो सबसे पहले बी में 3 आएगा और वो 3 प्रिंट हो जाएगा, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा सबसे पहले 3, उसके बाद सी की वैल्यू मिलेगी डी को, डी प्रिंट कर दिया, फिर आएगा 23, तो पहले आएगा 3, फिर 23, और फिर मैं यहां पे बी को फंक्शन के बाहर रन कर रहा हूं, तो ये इसकी डेफिनेशन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि बी मेरा लोकल वेरिएबल है, बाहर रन नहीं होगा, तो आएगा एरर, तो आउटपुट क्या आएगा, 3, 23 और एरर। देख लेते हैं, देखिए 3, 23 और यहाँ पे एरर। तो आई होप कि आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स का कंसेप्ट जो है वो चीज समझ में आ गया होगा। मैं एक